इस वीडियो में गाइस आज आपको दिखाएंगे कि 80,000 रुपीस का गेमिंग पीसी बिल्ड एंड ये पीसी सिर्फ गेमिंग ही नहीं, आप अगर स्ट्रीमिंग या फिर एडिटिंग करते हैं तो उस हिसाब से भी एकदम जबरदस्त होने वाला है। बात करेंगे सभी कंपोनेंट्स के बारे में, तो यार वीडियो एंड तक देखते रहना। हेलो गाइस, मेरा नाम है सार्थक एंड वेलकम बैक टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स। इस पीसी को ऑर्डर करा हमारे विनीत भाई ने, जो कि रहने वाले हैं थाने महाराष्ट्र के। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80,000 रुपीस का पीसी बिल्ड है, बट अगर आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग बताओ तो समवेयर अराउंड 82,000-83,000 जो यहां पर आ जाती है, मतलब अंडर 85 भी आप जो इसको मान सकते हो। बाकी पीसी काफी जबरदस्त होने वाला है, गेमिंग स्ट्रीमिंग एडिटिंग तीनों ही वर्कलोड के हिसाब से। तो बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं अगर आपको भी ऐसी कोई कमाल का पीसी बाय करना हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर के ऊपर आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बाकी हमारी वेबसाइट भी है जो कि modexcomputers.com, वहां पर आपको प्रीबिल्ट पीसी, कस्टम पीसी सारे ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आप सिंगल कंपोनेंट बाय करना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी आप अगर ऑफलाइन आकर के पीसी बिल्ड कराना चाहते हो तो 205 सेकंड फ्लोर राजा हाउस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है, आप ऑफलाइन आकर के हमसे पीसी बिल्ड करा सकते हो नेहरू प्लेस में। तो ऑफलाइन स्टोर की जो गूगल लोकेशन लिंक है वो भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब शुरुआत करते हैं गाइस एंड बात करते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड में यहां पर यूज करे। शुरुआत करते गए सबसे पहले प्रोसेसर के बारे में बात करते हो, इंटेल के लेटेस्ट 13 जेन के ऊपर बेस्ड पीसी बिल्ड है। इंटेल का i5-13400F प्रोसेसर का हम लोगों ने इस पीसी बिल्ड में यहां पर यूज करा है। बड़ा ही जबरदस्त सीपीयू 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स की ताकत के साथ में आता है। स्पेशली अगर आपका जैसे प्रोडक्टिविटी जैसे वर्कलोड यहां पर आपको गेमिंग के साथ साथ आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है, आपको एडिटिंग भी करनी है, तो उस यूज केस में एक बहुत ही बढ़िया सीपीयू यहां पर हो जाता है। बाकी एक बढ़िया सीपीयू के साथ में पेयर किया जाता है एक बढ़िया सा मदरबोर्ड, तो गीगाबाइट की तरफ से उनका लेटेस्ट B760 चिपसेट के ऊपर बेस्ड B760M DS3HAXDDR4 मदरबोर्ड का हम लोगों ने यहां पर जो है यूज करा है, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हमारी 13 जेन को जो यहां पर सपोर्ट करता है। बाकी वाईफाई एंड ब्लूटूथ की फंक्शनलिटी इस मदरबोर्ड के साथ में मिल जाती है एंड DDR4 रैम को जो यहां पर ये सपोर्ट करता है। ओवरऑल इस बजट के हिसाब से 13400F के हिसाब से काफी बढ़िया रहेगा। बात करते हैं यहां पर हमारी रैम के बारे में, तो रैम हम लोगों ने जो टोटल यहां पर 16GB यूज करी है, XPG की D50 रैम की किट का यहां पर यूज करा गया, 8GB की 2 स्टिक्स जो कि 3200 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। टोटल हो जाती है 16GB जो कि एकदम परफेक्ट रहेगी हर एक वर्कलोड के हिसाब से, चाहे गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो या फिर एडिटिंग हो। और अब तो भाई मतलब एटलीस्ट मिनिमम हो गया कि आप अगर एक अच्छा पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो 16GB तो होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर हमारे एयर कूलर के बारे में। ऑल्दो हमें 13400F के साथ में स्टॉक कूलर भी मिलता है, बट उसको लगाएंगे तो भाई बहुत हॉट रन करेगा, और अब तो वैसे भी जो है हमारा समर सीजन जो है यहां पर आ रहा है, तो इसलिए यहां पर हम लोगों ने अलग से यहां पर एयर कूलर यूज करा जो कि आता है डीप कूल की तरफ से, उनका काफी बढ़िया डीप कूल का AG400ARGB, इसमें LED वर्जन आता है, ARGB वर्जन आता है, तो ARGB वाला वर्जन जो है वो हम लोगों ने यहां पर यूज करा, जो कि आप मदरबोर्ड से भी यहां पर इसको सिंक कर सकते हो, इसकी RGB को जो इसके फैन में यहां पर मिल जाती है। ओवरऑल एक काफी बढ़िया कूलर है जो कि टेम्परेचर्स भी हमारे प्रोसेसर के काफी अच्छी तरीके से यहां पर मेंटेन करता हुआ चलता है। अब बात करते हैं यहां पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो ग्राफिक्स कार्ड यहां पर हम लोगों ने यूज कराया गीगाबाइट की तरफ से, उनका RTX 3060 एंड दिस इज विंडफोर्स OC एडिशन। गीगाबाइट ने भी हाल फिलहाल में अपने जो प्राइसेस काफी कम करे थे, तो उस चक्कर में जो है ये मतलब कार्ड जो है काफी ज्यादा जो है यहां पर सेल ऑफ हो रहा है, तो इसलिए गीगाबाइट की तरफ से विंडफोर्स OC वर्जन का हम लोगों ने यहां पर इसका काफी बढ़िया कार्ड है यार, 3060 2K लेवल पर जो आपको काफी बढ़िया गेमिंग यहां पर करा देता है। जैसे कि 13400F के साथ में हम लोगों ने यहां पर पेयर कराया है, तो 1080p एकदम आपको हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी हो, 2K पर गेमिंग करनी हो, तो काफी बढ़िया चॉइस यहां पर हो जाती है। एंड 13400F के साथ में जैसे कि हम लोगों ने यहां पर पेयर करा है, तो चाहे आप गेमिंग करें, स्ट्रीमिंग करें, एडिटिंग करें, हर एक वर्कलोड में आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर देखने को डेफिनेटली यार मिल जाती है। अब बात करते हैं यहां पर हमारी स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज के लिए यहां पर हम लोगों ने सिर्फ एक SSD का यूज करा है जो कि XPG की तरफ से, उनकी S5 512GB की M.2 NVMe SSD, इसके अंदर जाएगी विंडोज नेसेसरी ड्राइवर सॉफ्टवेयर। बाकी अलग से हार्ड ड्राइव तो इसके अंदर कोई जो है यहां पर यूज नहीं करी गई है, बाद में जब उनका बजट बढ़ जाएगा तो बड़े आराम से जो यहां पर एड ऑन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में,
इस पूरे पीसी को पावर अप करने के लिए 650 वॉट की पावर सप्लाई मच मोर देन इनफ जो यहाँ पर रहेगी। एंड थोड़ा बहुत अगर उनको बाद में कुछ अपग्रेड भी करना हो तो बड़े आराम से यहाँ पर कर पाएंगे। तो डीपकूल की तरफ से उनकी PF650 पावर सप्लाई का यहाँ पर जो हम लोगों ने यूज करा है जो कि 80 प्लस स्टैंडर्ड रहती है, बट हाँ काफी बजट में मिल जाती है एंड 650 वॉट जो हमको यहाँ पर डिलीवर कर देती है। और जो है 650 वॉट वैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनफ रहेगी, तो बाद में कुछ अपग्रेड करना हो तो आराम से यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस यहाँ पर हमारी कैबिनेट के बारे में। तो कैबिनेट मशहूर यार मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है, एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनकी 511 MT कैबिनेट का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा है, जिसमें कि टोटल आपको 4 प्री इंस्टॉल्ड ARGB फैन मिलते हैं, 3 फ्रंट में, एक रियर में एग्जॉस्ट के लिए। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया है, बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है, फ्रंट में आपको मेश मिल जाता है जिससे कि जो है यहाँ पर एयर फ्लो काफी अच्छा बना रहता है, और ARGB फैंस मिलते हैं तो यानी कि आप मदरबोर्ड से भी जो यहाँ पर जो इन फैंस को सिंक कर सकते हो, जो कि काफी बढ़िया बात रहती है। ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट एंड इस बजट के हिसाब से लगभग 4,500 में आ जाती है, तो इस बजट के हिसाब से काफी बढ़िया कैबिनेट यहाँ पर जो साबित हो जाती है। तो आप अगर इस बजट के आसपास में ढूंढ रहे हो तो आप इसको जो यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। बस तो बस यही था हमारा 80,000 रुपीज का पीसी बिल्ड। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। बाकी फिर से बताता हूं, अगर आपको ऐसी कमाल का पीसी बाय करना हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल जाएगा 7011805001। इस नंबर के ऊपर आप लोग जो कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। बाकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड हमारा ऑफलाइन स्टोर है उसकी गूगल लोकेशन लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलेंगे ऐसे करने वीडियो के अंदर एक और रंग वाले के पीसी बिल्ड के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।